आज हमारे प्रियांक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड डोनेट करके आया हूँ भैया, इसका कोई जिम पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, इसका कोई भी जिम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक नॉर्मली जब आप ब्लड डोनेट करते हो, बस आपको क्या करना है, तो कुछ फूड से ग्लूकोज लेना पड़ेगा। ओके, आप जूस पी सकते हो, बेसिकली ऐसे फूड खा सकते हो जहाँ से आपको ग्लूकोज आसानी से मिल जाए। दूसरी बात, आपको बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा हाइड्रेट रखना। ओके, और कुछ भी हैवी लिफ्ट मत करना 4 से 5 घंटे के लिए। बॉडी को रेस्ट में डाल देना, मतलब आराम करना अच्छे से। बेसिकली क्या होता है, जो आपका प्लाज्मा है वो 24 घंटे में रिकवर हो जाएगा। और इसके बाद जो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया शाम को जिम कर पाएंगे क्या हम, बेसिकली दोपहर में ब्लड डोनेट करके आए कि शाम को वर्कआउट करें क्या? नहीं। देखिए, वैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, अगर आप सही से खाने पर ध्यान दोगे, जैसे कि मैं बता चुका ग्लूकोज फूड, और उसके बाद आपको अच्छे से पानी का ध्यान रखना है और सोना है, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ी रिकवर हो जाए, तो आप वर्कआउट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा हैवी वर्कआउट मत करना, एक नॉर्मली लाइट वर्कआउट करना है एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे से आप एज इट इज वर्कआउट कर सकते हो, जैसे कि आप पिछले दिनों में यानी प्रीवियस डेज में करते आ रहे थे। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट आपको डोनेट करना है वो कम से कम 2.5 से लेकर 3 महीने बाद करना है, या 2 महीने बाद। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिकवर कर लेंगी इतने समय में। सो आप जब 2.5 से लेकर 3 महीने बाद अपना ब्लड डोनेट करने जाते हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा ब्लड से रिलेटेड। और प्रियंका भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, और आप बल्कि दूसरों को मोटिवेट और किया करो कि दे दिया करो ब्लड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे आपकी। बहुत से लोगों को मतलब बेसिकली ये सोचना होता है ना कि हमारी बॉडी नहीं ख़राब हो जाए, कहीं हम बीमार ना हो जाए, हम कमज़ोर ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और इसी डर को दूर करने के लिए मैंने बेसिकली एक फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दी है ब्लड से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रॉपर हिस्ट्री समझाई गई है ब्लड की, और किस तरीके से जो आप ब्लड को डोनेट करते हो इससे आपकी बॉडी को उल्टा फ़ायदा मिलता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, उल्टा फ़ायदा मिल रहा है। और उसे अच्छे से जानने के लिए आपको कमेंट सेक्शन के टॉप पर वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, तो जाकर आप उसे देखिए और अच्छे से समझिए। तो मेरा यहाँ पर कहना है, थोड़ा जाओ मदद करो, और क्या करोगे इस बॉडी का यार, दूसरे के काम ना आई, अपने ही अपना देखते रहे तो। ओके, आई होप भाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी बात सुनी उसके लिए थैंक यू।